गाइस, आर्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल से कुछ ऑब्जेक्ट चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि हमने अपनी बाकी क्लासेस में ओवल का, स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइंस, इन सब की प्रैक्टिस की थी। तो अब इन्हीं सब चीज़ों से हम कुछ ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको स्केल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर आप चाहें तो इसमें आप स्केल की यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल एक ऐसा वर्ड है जिसमें हर लाइन परफेक्ट होनी चाहिए, एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट, तो जो कि हमारे डायरेक्ट हैंड से वो कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो इसीलिए हम सब स्केल का यूज करेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज करिए, नहीं है तो, जैसे मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं पेंसिल का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक दो ऑब्जेक्ट तैयार करती हूँ, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ली सीधी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइंस बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हम सब कैसे नाप ले, किस चीज से, देखिए इससे नाप के, चलिए मैंने ये इतना लिया, ये हुआ, तो अब और ये लाइन जो है ये आप एकदम लाइट ही रखेंगे, तो ये सब लाइंस बाद में इरेज हो जाएंगी। तो देखिए ये जो है ना, ये कर इसलिए मैं बस आपको ज्योमेट्रिकल का बेस बता रही हूँ, जिससे आप सब बॉम्बे आर्ट में भी यूज कर सकते हैं, बॉम्बे आर्ट के पेपर्स में भी ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब एक दूरी लेंगे, ये दोनों दूरी जो होगी वो बराबर होगी, क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ के इसको ऐसे, ये मोर साइड है, तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, ये दोनों दूरी होंगी, बाकी के पेज की लाइंस हम सब इरेज कर देंगे। ये बहुत लाइटली दिखता है, तो इसको लेकर हम इरेज कर देंगे, डार्क करके शेप दे देते हैं। इससे जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है ये एकदम ज्योमेट्रिकल तौर पे एकदम ब्राइट होगा, ठीक है। ये जो साइड साइड से इसको अगर इरेज कर देते हैं ताकि परफेक्ट हो, ठीक है।
देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से हम सब एक और स्ट्रेट लाइन लेंगे लंबाई के अनुसार, ठीक है। उसके बाद से हम सब यहाँ पे दूरी इसकी नाप लीजिए आप, ये दूरी है तो इसकी ये दूरी है, और यहाँ पे जो बाकी है उसको आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी आप सब इरेज कर दीजिए, ये हो गया, बीच की लाइन आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें दूरी ली थी उस हिसाब से आप यहाँ पे भी दूरी ले सकते हैं। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। हमारा तीसरा एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आप फिर से एक लंबाई लीजिए, ठीक है, जो लंबाई आपको ठीक लगे। यहाँ पे एक दूरी नाप लीजिएगा, दोनों की दूरी बराबर ही होनी चाहिए, ये दोनों दूरी बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद से उसके हल्का सा ऊपर हम सब एक और लाइन लेंगे, इसकी दूरी भी आप नाप लीजिए। यहाँ तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम सब फिर यहाँ पे एक और लेंगे, इसकी भी दूरी आप नाप लीजिए। ठीक है, लाइन से इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, थोड़ी सी छोटी हो गई थी मेरी लाइन तो इसको मैंने हल्का सा बढ़ा दिया है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इन लाइन्स को मिलाना कैसे है, मैं अभी बस सिंपल ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, अभी मैं इसको शेप भी दे दूँगी कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जनरेट कर होगा। देखिए यहाँ पे हम सब एक दूरी ले लेते हैं, देखिए जो दूरी है दूरी ले ली है, एक तरह से ये हमारा क्या बन गया है, ओवल बन गया है, क्या बन गया है, एक तरह से ये हमारा एक ओवल बन गया है, ठीक है। ये यहाँ से जो लाइन ली थी इससे हमको इसका सेप देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक राउंड देंगे, ये राउंड से हम सब यहाँ पे एक
देखिए जो फ्लावर पॉट होता है ये डिजाइन से भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो पहले हम सब इसको सिंपल तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद से हम इसको डिजाइन्स में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर का कम रहेगा, नीचे का ज़्यादा। ये चीज, ठीक है। बीच का पार्ट हम सब इरेज कर देंगे। इसको भी हम सब इरेज कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अंदर एक और सर्कल होगा। फिर यहाँ से देखिए मैंने यहाँ ऐसे ये सर्कल टाइप से डार्क दे दिए, तो ये पता चलेगा कि हाँ हमारा कौन सा वो है। फिर यहाँ पे हम सब चाहे तो अपने सेट के अनुसार इसको बना सकते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। ये देखिए कुछ फ्लावर पार्ट्स हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाया है। अब इसको आप सब जो हाथ से साफ करते हैं ना तो कॉपी पे लग जाते हैं, इसलिए कपड़े से या फिर कागज़ से ही इसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब और ऑब्जेक्ट लेते हैं, छोटे भी लाइन ले रही हूँ। फिर ये यहाँ पे मैंने इसकी भी आप नाप लीजिएगा कि दूरी बराबर हो। यहाँ पे भी एक लाइन ले रही हूँ। ये याद रखिएगा कि ये जो दोनों दूरी है, ये दोनों दूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये दोनों दूरी बराबर ही होनी चाहिए, नहीं तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो सही ढंग से हमारा तैयार नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, मेरे हाथ से छूट गई थी। ये देखिए जैसा कि हम सब इसकी दूरी ले लेंगे, बीच की लाइन को इरेज कर देंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब मैं आपको एक और लास्ट ऑब्जेक्ट बता देती हूँ ज्योमेट्रिकल तौर पे। उसके लिए मैं थोड़ा रफली तैयार कर लूँ कि ये ऑब्जेक्ट असल में दिखना कैसा चाहिए। तो
ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी, ऊपर एक लाइन हम सब खींच लेंगे, ठीक है। फिर के बाद से एक और लाइन खींचेंगे, लेकिन सबकी दूरी आप नाप लीजिएगा, मैंने पहले ही आपसे कहा था। जो नीचे वाली लाइंस होंगी वो उससे छोटी होंगी, तो दूरी भी उससे कम रखिएगा इसकी। ये जो पार्ट है इसको यहाँ से ऐसे हम सब इरेज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा बीच में एक लाइंस होगा जिनकी दूरी इन सबसे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। और लास्ट वाले लाइन में ये जो दूरी है थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। ये चीज बिल्कुल शेप में लाने के लिए हमें यहाँ पे और यहाँ पे ये दूरी लेके एक ओवल तैयार करना है। ये हमारा एक ओवल, ये हमारा एक ओवल तैयार हो गया है। जो बीच का है पार्ट उसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। शेप देते हुए पीछे की लाइन रेस कर देंगे। ऊपर की लाइन से रेज कर देंगे, यहाँ से एक हल्का सा शेप देते हुए ये लाइन बनाएंगे। गाइस, ये मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगली क्लास में मैं आपको शेडिंग्स के बारे में बताती हूँ कि कुछ कि हम सब इन ऑब्जेक्ट को किस तरह से शेड करेंगे। तो अगली दो क्लासेस में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा